नमस्कार इंडिया न्यूज एनबीए में स्वागत है आपका। इस वक्त बाराबंकी में मौजूद 50 अधिवक्ता चैम्बर में मौजूद हूँ। हमारे साथ अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि अधिवक्ताओं की जन समस्याओं को लेकर के हमारे एडवोकेट प्रदीप श्रीवास्तव जी का क्या कहना है। सर स्वागत हमारे चैनल पर आपका। जी धन्यवाद। जो अधिवक्ताओं की समस्याएँ हैं इन पर आप क्या कहेंगे? अधिवक्ताओं की बहुत समस्याएँ हैं। जैसे कि कौन कौन सी समस्याएँ हैं? देखिए समस्या आपको बता दें, गिनाने लगे तो उंगलियाँ कम पड़ जाएंगी। और 21वीं सदी हमारी चल रही है, लेकिन अधिवक्ताओं पर न राजनीतिक दल देख रहे हैं, न माननीय उच्च अधिकारी भी अधिवक्ताओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, पहली चीज़ कि रोज़ स्कूल कॉलेजेस ज़िला कॉलेज खुल रहे हैं, उसमें संख्याएँ बहुत बढ़ रही हैं, इससे सरकार को आमदनी हो रही है फीस के माध्यम से। लेकिन ये नहीं ध्यान देती है सरकार कि वो LLB स्टूडेंट कल जाकर अधिवक्ता बनेंगे, और अधिवक्ता बनने के बाद वो कचहरी में कहाँ बैठेंगे। सबसे बड़ी समस्या उनके बैठने की समस्या है, जिस पर हम सरकार से मांग करते हैं कि पहले तो अधिवक्ताओं को बैठने के लिए अधिवक्ता चैम्बर्स बनाए जाएँ। हम बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में मात्र 50 अधिवक्ता चैम्बर हैं, जबकि यहाँ अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 3,500 है। आज कितने अधिवक्ता कहाँ बैठे हैं? झोड़ी झुग्गी झोपड़ी में बैठने में मजबूर हैं, वहाँ काम करने में मजबूर हैं। अभी विगत कुछ दिन पहले रोड पर जो अतिक्रमण हटाया गया, वहाँ अधिवक्ता हटाए गए, बेरोजगार हो गए। पिछले कोरोना काल से अधिवक्ताओं की समस्याएँ और बढ़ी हैं। अधिवक्ताओं के लिए सरकारों ने ना कोई बीमा है, बार काउंसिल से 5 लाख रुपए क्लेम मिलता है, आज के समय में 5 लाख रुपए में क्या होता है, 20 लाख कम से कम क्लेम होना चाहिए, डेथ क्लेम, पारिवारिक पेंशन होना चाहिए, ना कोई पेंशन है ना कोई सुविधा है। अगर अधिवक्ता बीमार भी हो जाए तो उसका परिवार भूखों मरने पर मजबूर है, और स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं। अधिवक्ता अगर जाए तो जैसे एक आम आदमी ट्रीटमेंट होता है वैसे ट्रीटमेंट होता है, न स्वास्थ्य न सुरक्षा। अधिवक्ता प्रोटेक्शन की बात करें तो कोई सुरक्षा नहीं। हम विगत कई वर्षों से अपनी पार्टी के माध्यम से और अधिवक्ता के माध्यम से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को का एक वो पार्टी की तरफ से ज्ञापन भी दे चुके हैं जिलाधिकारी महोदय की तरफ को कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, क्योंकि आपके भारतवर्ष में एक मध्य प्रदेश एक स्टेट है जहाँ पर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। जब डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सकता है तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं लागू हो सकता, ये सरकार जवाब दे। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी समस्या, अधिवक्ता बड़े बड़े अपराधियों का केस लड़ते हैं और उनके अपोजिट पार्टी हमेशा दुश्मन रहती है, तो हमको सबसे ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। इस पर सरकार विचार करे, गंभीरता से विचार करे, और अधिवक्ताओं की समस्याएं जो हैं उनको उनकी पूर्ति करें। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े थे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को बताया। इंडिया न्यूज़ एनबी के लिए प्रियंशु मौर्या की रिपोर्ट, बाराबंकी।